हाय, वेलकम टू द चैनल योर फैमिली मेम्बर। मैं हूँ भावना और उम्मीद करती हूँ कि इस महामारी के टाइम में आप पॉजिटिव रहते हुए अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बालों के लिए बेस्ट शैम्पू कैसे चूज़ करें। कई बार हमारे बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे ड्राई, स्प्लिट एंड्स या डैमेज्ड हेयर, या फिर वैसे भी अपने बालों को नेचुरल हेल्दी रखने के लिए हम अच्छा सा शैम्पू ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट में इतने सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बालों के लिए बेस्ट से बेस्ट शैम्पू कैसे चूज़ करें, या फिर अपने बालों की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम कई बार ऐसा होता है कि हम शैम्पू यूज़ करते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शैम्पू चूज़ करते हुए अपने बालों के लिए शैम्पू चूज़ करते हुए आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि एकदम परफेक्ट शैम्पू आप अपने बालों के लिए चूज़ कर सकें। शैम्पू चूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बाल और हमारे स्कैल्प किस टाइप की है। जी हाँ, जब भी हम अपने बालों के लिए कोई शैम्पू लेते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्कैल्प कैसी है और हमारे बाल कैसे हैं। बालों के साथ साथ हमें हमारे स्कैल्प का भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प अगर हेल्दी होगी तो बाल भी हेल्दी होंगे। अगर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो प्रॉब्लम बालों में भी दिखती है। बेसिकली स्कैल्प हमारे तीन टाइप की होती है, नॉर्मल स्कैल्प, ऑयली एंड ड्राई। ये तो सबको पता ही है वैसे। नॉर्मल, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ज़्यादा ऑयली हो ना ज़्यादा ड्राई हो। ऑयली स्कैल्प में जब शैम्पू करने के कुछ घंटों बाद ही काफ़ी ऑयल दिखने लगता है तो वो ऑयली स्कैल्प होती है। और शैम्पू के बाद स्कैल्प में इचिंग होती है या काफ़ी ड्राइनेस फील होती है तो वो ड्राई स्कैल्प होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना शैम्पू चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप ऐसे शैम्पू कभी भी चूज़ ना करें जो मॉइस्चराइजिंग हो या फिर हाइड्रेटिंग हो, क्योंकि ये आपके स्कैल्प में और ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करेंगे और आपकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयली लगेगी। इसके बजाय आप ऑयली स्कैल्प के लिए ऐसे शैम्पू चूज़ करें जो मॉइस्चर ज़्यादा ना देके बल्कि अपने आपके बालों को वॉल्यूमनाइज करे। आप वॉल्यूमाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग या फिर क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करें। और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आपको इसका अपोजिट करना है, यानी कि आपको ऐसे शैम्पू चूज़ करने हैं जो आपके बालों में मॉइस्चर ऐड करे, यानी कि मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग और स्मूदिंग शैम्पू आपने चूज़ करने हैं। और ऐसे शैम्पू आपने चूज़ नहीं करने हैं ड्राई स्कैल्प के लिए जो वॉल्यूमनाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग या फिर जिसमें सल्फेट ऐड हो, ऐसे शैम्पू आप प्लीज़ ड्राई स्कैल्प के लिए अवॉइड करें। ड्राई या फिर ऑयली स्कैल्प जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एकदम नॉर्मल स्कैल्प है, तो आप अपने फेवरेट कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अपने बालों के अकॉर्डिंग आप शैम्पू चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल पतले और सीधे हैं तो ऐसे बालों के लिए आप वॉल्यूमाइजिंग और स्मूदिंग शैम्पू यूज़ करें जो आपके बालों के स्ट्रैंड्स को बूस्टअप करता है, उनको मॉइस्चर देता है। कर्ली बालों में आप मॉइस्चराइजिंग और वेवी बालों में आप बैलेंसिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थिक अगर आपके बाल हैं तो आप उसमें हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग शैम्पू अगर यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों को काफ़ी शाइन और मॉइस्चर देगा। ये तो थे बालों के टाइप्स, जैसे वेवी, कर्ली, स्ट्रेट, थिक या थिन। अब इनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्प्लिट एंड्स, बाल कमज़ोर हो जाते हैं या फिर फ्रिजीनेस उनमें दिखती हैं, डैमेज हो जाते हैं बाल केमिकल्स या हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, तो आप पर्टिकुलर उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करने वाले शैम्पू यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के टाइप्स को भी ध्यान में रखते हुए। जैसे कर्ली बालों के लिए हम मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करते हैं, और उसमें अगर डैमेज फ्री शैम्पू में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्कैल्प तो ऑयली होती है, बाल फ्रिजी या फिर ड्राई होते हैं या फिर इसका अपोजिट होता है, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप दो शैम्पू भी अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके स्कैल्प, फॉर एग्जांपल आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप उसको ऑयल को हटाने वाले शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके बाल ड्राई हैं, स्कैल्प ऑयली होते हुए आपके बाल ड्राई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ अपने बालों में कर सकते हैं। अपने स्कैल्प के लिए अलग, अपने बालों के लिए अलग, ऐसे शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बालों के लिए शैम्पू चूज़ करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपके स्कैल्प किस टाइप की है और आपके बाल किस टाइप के हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप शैम्पू चूज़ करें। और जो भी मैंने इतने सारे नाम लिए हैं, हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्मूदिंग, तो ये सब आप अपने शैम्पू की बॉटल के
डिस्क्रिप्शन पे या लेबल पे देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब मेंशन होता है और इतने समझदार तो आप हैं। और अगर आपके बालों के लिए शैम्पू चूज़ करने में ये वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।